नमस्कार, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों की ओर। नर्सिंग कॉलेज घोटाले के मामले में सरकार सख्त, मापदंडों पर खरे नहीं उतरे चार महाविद्यालय। एसडीएम रोशनी पाटीदार ने रोशन नर्सिंग कॉलेज को किया सील। मध्य प्रदेश यूडीसी के मुख्य अभियंता शैलेंद्र शुक्ला पहुंचे ओमकारेश्वर। एसटीपी प्लांट का किया निरीक्षण, कहा तीर्थ नगरी के लिए कारगर साबित होगी एसटीपी योजना। सीहोर में अवैध रेत परिवहन पर प्रशासन की कार्रवाई, छापेमारी में 6 पोकलेन मशीन और 17 डंपर की जब्त, संयुक्त टीम लगाकर कर रही जांच। झाबुआ के स्थानीय निजी गार्डन में पाठशाला का आयोजन, राष्ट्रवाद और धर्म जागरण की दी जा रही शिक्षा, 26 मई से 1 जून तक चलेगी पाठशाला। कोरबा में विश्व मासिक धर्म पर स्वच्छता जागरूकता का आयोजन, कलेक्टर और सीईओ ने दिया संदेश, निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन किए गए वितरित। रायपुर में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने पत्रकारों से चर्चा की, इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा, वहीं बीजेपी की सराहना की। सरकारी भर्तियों को लेकर उन्होंने कहा कि आचार संहिता के बाद विभागीय भर्तियों को लेकर बीजेपी कार्य करेगी, भारतीय जनता पार्टी करेगी, हर विभाग में भर्तियां होंगी और पूर्ण पारदर्शिता और ईमानदारी के साथ होगी। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के युवा भाई बहनों के साथ कांग्रेस ने धोखा किया है, लेकिन विष्णुदेव की सरकार युवाओं के लिए काम करेगी। खबर रायपुर से है, जहां वित्त मंत्री ओपी चौधरी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी हर वर्ग के लिए भर्तियां करेगी, इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस को भी जमकर घेरा। अपने बयान में उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ के युवाओं के साथ धोखा किया है, लेकिन जब बीजेपी की सरकार केंद्र में अगले 5 सालों तक रहेगी तो वो विभागीय भर्तियां भी कराएंगे। इन 5 सालों में जो विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है, वो पिछले 5 सालों के कांग्रेस की तुलना में कई गुना ज्यादा भर्ती करेगी, और जितनी भी भर्ती करेगी वो पूर्ण पारदर्शिता और ईमानदारी के साथ करेगी। छत्तीसगढ़ के युवा भाई बहनों के साथ जिस तरह से भर्तियों में माफिया राज और घोटाला स्थापित किया गया था कांग्रेस के द्वारा, उससे मुक्ति मिलकर भर्ती प्रक्रिया पूरी होगी। पूरे 5 सालों का परफॉर्मेंस कांग्रेस के 5 सालों से कई गुना ज्यादा अच्छा। रायपुर में कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के विभिन्न बयानों को लेकर वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने जमकर हमला बोला। इस दौरान उन्होंने गरीबी हटाओ को नारे को लेकर तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी की दादी 1971 में गरीबी हटाओ का नारा दिया था, 50 साल से अधिक समय तक भी गरीबी नहीं हटी, तो गरीबी की जिम्मेदारी इन्हें लेनी चाहिए। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था, कई साल शासन करने के बाद भी गरीबी नहीं हटी, तो गरीबी की जिम्मेदारी अब कांग्रेस को ही लेनी चाहिए। लोकसभा चुनाव अपने अंतिम चरण में है, लेकिन लगातार वार पलटवार का दौर जारी है। इसी क्रम में वित्त मंत्री ओपी चौधरी का भी बयान सामने आया है। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस के गरीबी हटाओ नारे को लेकर कांग्रेस को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की दादी इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था, लेकिन इसके बावजूद गरीबी नहीं हटी, तो उन्हें इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। जब राहुल गांधी जी को कुछ समझ में नहीं आता तो उल जुलूल आरोप लगाते रहते हैं। उनकी दादी ने तो 1971 में गरीबी हटाओ का नारा दिया था, लेकिन आज गरीबों के लिए काम करने की बात वो 29-24 करीब 53 साल बाद कर रहे हैं। तो 1971 में कांग्रेस ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था, तो इन 50 सालों से अधिक समय तक गरीबी नहीं हटी, उसकी जिम्मेदारी राहुल गांधी जी को लेनी चाहिए। नक्सलियों के द्वारा सरकार को पत्र लिखे जाने पर वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि नक्सलवाद को खत्म करने के लिए विष्णुदेव की सरकार लगातार काम कर रही है, बस्तर का विकास करने के लिए काम चल रहा है और नक्सली माओवादी खत्म करने के लिए सरकार काम कर रही है, बस्तर का विकास और के लिए ये सब किया जा रहा है। वित्त
वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने जहां एक तरफ कांग्रेस पर निशाना साधा तो वहीं दूसरी तरफ विष्णुदेव साय की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि एक तरफ क्षेत्र के विकास के लिए काम किए जा रहे हैं तो वहीं नक्सलवाद और माओवाद को खत्म करने के लिए भी लगातार सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। वित्त मंत्री ओपी चौधरी का बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने विष्णुदेव साय की तारीफ की है। माओवाद के खिलाफ विष्णुदेव साय जी की सरकार बहुत एग्रेसिव होकर लोगों के बेहतरी के लिए बस्तर में अमन चैन को स्थापित करने के लिए बस्तर में विकास का नया अध्याय लिखने के लिए काम कर रही है और नक्सली या माओवादी अपने तरीके से आरोप प्रत्यारोप चलता रहेगा, वो बोलते रहेंगे, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ कि विष्णुदेव साय जी एक संवेदनशील व्यक्तित्व है, उनकी सरकार संवेदनशीलता के साथ चल रही है और जो कुछ किया जा रहा है बस्तर के विकास के लिए, आदिवासी भाइयों के विकास, सुरक्षा और शांति के लिए किया जा रहा है। लगातार नक्सलवाद को खत्म करने के लिए बीजेपी सरकार विभिन्न तरीके के कदम उठाती नजर आ रही है, वहीं कांग्रेस पार्टी इस पर निशाना साधती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने नक्सली मुठभेड़ को लेकर जांच समिति बनाई, जिसके लेकर के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कांग्रेस पर पलटवार किया। उन्होंने कहा, दीपक बैज जब कांग्रेस के समय में जो मुठभेड़ होती थी तब तो उसे लेकर के कभी बात नहीं करते, बीजेपी सरकार ने असली आदिवासी को मुख्यमंत्री बनाया है, निष्पक्ष रूप से जांच का काम कर रहे हैं, विकास का एक नया अध्याय लिखने के लिए बस्तर करवट ले चुका है। खबर रायपुर से है जहां लोकसभा चुनाव अंतिम चरण होने के बावजूद भी लगातार बयानों का सिलसिला जारी है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी का बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा, नक्सलवाद को लेकर भी कांग्रेस को घेरते हुए नजर आए ओपी चौधरी, तो वहीं बीजेपी के कार्यों की सराहना करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि बीजेपी नक्सलवाद को खत्म करने के लिए तमाम सराहनीय कदम उठा रही है। इसके साथ ही दीपक बैज के बयान को लेकर भी ओपी चौधरी ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि जब कांग्रेस के शासन के वक्त मुठभेड़ होती थी तब तो दीपक बैज कुछ नहीं कहते थे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में बोकारो अब करवट ले रहा है, विकास का नया अध्याय लिख रहा है। दीपक बैज जी जब उनके समय में जो मुठभेड़ होते थे उन समय पर जो भी बातें हुई उस पर उन्होंने कभी कोई बात नहीं रखी। आज मैं इतना कह सकता हूं कि विष्णुदेव साय जी की सरकार पूरे बस्तर के लिए, आदिवासी भाइयों के लिए संवेदनशील सरकार है। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिसने पहली बार असली आदिवासी को छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री बनाया है और जांच एजेंसियां सभी जगह निष्पक्ष तरीके से जांच का काम कर रही हैं और जो कुछ होगा वो सबके सामने दूध का दूध और पानी का पानी होकर के सामने आएगा। मैं इतना कहना चाहता हूँ, विकास का एक नया अध्याय लिखने के लिए बस्तर करवट ले रहा है और देश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बस्तर एक नई ख्याति को आने वाले वर्षों और दशकों में अर्जित करेगा। आईआईएम में अब मंत्रियों को गवर्नेंस ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसे लेकर के मंत्री चौधरी ने कहा कि आईआईएम को गुड गवर्नेंस की ट्रेनिंग के लिए एजेंसी बनाया गया है, इससे देश भर के विद्वान चर्चा करने के लिए भी आएंगे, सभी मंत्रियों को बेहतर एक्सपोजर मिलेगा, आने वाले समय में बेहतर करने के लिए हम सब अच्छे से तैयार होंगे। मंत्रियों को गवर्नेंस ट्रेनिंग देने के लिए प्रदेश भर से और देश भर से विद्वान लोग पहुंचेंगे। इसके अंतर्गत बेस्ट मैनेजमेंट किस तरीके से किया जाए उसे लेकर के प्रशिक्षण दिया जाएगा। नीति आयोग के बड़े नाम भी इस प्रशिक्षण को देने के लिए सहायता प्रदान करते हुए नजर आएंगे। आईआईएम में अब मंत्रियों को गवर्नेंस ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसको लेकर वित्त मंत्री ओपी चौधरी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि अब मंत्रियों को ट्रेनिंग दी जाएगी जिसके लिए देश और दुनिया के तमाम विद्वान लोग पहुंचेंगे और उन्हें बेहतर तरीके से गवर्नमेंट चलाने की ट्रेनिंग दी जाएगी। बहुत महत्वपूर्ण है किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए पूंजी की उपलब्धता और निवेश आने से ही हम तीव्र विकास दर, रैपिड ग्रोथ रेट को अचीव कर सकते हैं। इसके लिए इन्वेस्टमेंट प्रमोशन के अलग अलग मेजर्स और उनके इन्वेस्टर्स के बीच में कॉन्फिडेंस स्थापित करना, गवर्नेंस और ट्रांसपेरेंसी से एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट करना, ये सब काम विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हमारी सरकार लगातार कर रही है और बेहतर निवेश के माध्यम से रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ को अचीव करते हुए हमने लक्ष्य रखा है कि
कि आने वाले 5 सालों में जीडीपी को डबल 5 लाख करोड़ से 10 लाख करोड़ तक पहुंचाएंगे और 2047 तक छत्तीसगढ़ को विकसित छत्तीसगढ़ बनाने के लिए अमृतकाल छत्तीसगढ़ विजन @2047 ये विजन डॉक्यूमेंट हम बनाने जा रहे हैं। इसका काम प्रारंभ हो चुका है और हमारा लक्ष्य है कि 1 नवंबर 2024 को इसी साल यह विजन डॉक्यूमेंट छत्तीसगढ़ की जनता जनार्दन को विष्णुदेव साय जी की सरकार समर्पित करे। 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे आने हैं। ऐसे में मंत्री केदार कश्यप ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि इस बार 400 पार का नारा पूरा होता नजर आएगा। कांग्रेस की हार के बाद कांग्रेस के लोग बहाना ढूंढने का प्रयास करेंगे, ईवीएम क्रैश होने का आरोप लगाएंगे, साथ ही सिस्टम को भी गाली देने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को ये पहली हार नहीं है, उन्हें आदत हो चुकी है और ये आदत बरकरार रहनी चाहिए। तारीख को नतीजे आएंगे वो पूरी तरीके से लोगों के जहन में है कि इस बार 400 पार के साथों में पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनेगी। छत्तीसगढ़ के 11 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी काबिज होगी, जिसपे हमारा बस्तर और कांकेर भी सम्मिलित है और कांग्रेस के लोग बहाना ढूंढने का काम फिर से करेंगे, नए जुमले तैयार करेंगे, ईवीएम हैक हो गया या फिर पूरे सिस्टम को गाली देने का काम करेंगे, ये तो तयशुदा है। और जहां तक कांग्रेस के लिए बात है तो राहुल गांधी के लिए कोई पहली हार नहीं है, उनको तो हार की लंबी चौड़ी आदत है और ये आदत बरकरार रहेगी उनके जीवन में। मध्य प्रदेश अर्बन कॉरपोरेशन के मुख्य अभियंता शैलेंद्र शुक्ला ओमकारेश्वर पहुंचे, जहां उन्होंने एसटीपी प्लांट का निरीक्षण किया। इस दौरान शैलेंद्र शुक्ला ने बताया कि ये सीवरेज योजना है, इसका मकसद शहर का जितना भी गंदा पानी है वो एसटीपी के माध्यम से साफ करके अन्यत्र छोड़ा जाए। इसी के साथ शैलेंद्र शुक्ला ने कहा कि तीर्थ नगरी ओमकारेश्वर के लिए सीवरेज योजना बहुत ही कारगर साबित होगी। इसके लिए ठेकेदार को हमने निर्देशित कर दिया है कि ये कार्य आने वाले 15 दिनों में पूरा कर एसटीपी चालू करें, जिससे हम मां नर्मदा को प्रदूषण से बचा पाएं। मध्य प्रदेश अर्बन कॉरपोरेशन के मुख्य अभियंता शैलेंद्र शुक्ला ओमकारेश्वर पहुंचे, इस दौरान उन्होंने एसटीपी को लेकर चर्चा की। उन्होंने बताया कि ओमकारेश्वर के लिए एसटीपी बहुत जरूरी है, क्योंकि एक सीवरेज योजना है, इसके तहत गंदा पानी को इकट्ठा करके कहीं अन्य जगह पर छोड़ दिया जाएगा, जिससे मां नर्मदा को प्रदूषण से बचाया जा सकता है। हमारी जो सीवेज योजना है, इसका मकसद है कि शहर का फ्यूचरिस्टिक सीवेज ट्रीट करके हमको और उसको कहीं ना कहीं किसी नाले में छोड़ना है जी, सो दैट कि शहर का जो अपनी पॉपुलेशन है, जो हाउस होल्ड है, उनके डोमेस्टिक सीवेज में पूरा वो ट्रीट हो जाए, कहीं भी कोई गंदा पानी ना रहे, ये हमारा मकसद है। हम आपको बताते हुए काफ़ी हमको अच्छा भी लग रहा है कि हमारे एसटीपी तैयार हो गए, जो इरीगेशन गलत हो रही घोषणा कर दिया, जो एसटीपी बनने जो हमने हमारे बन के तैयार हो गए। हमको केवल एक काम करना है कि जो शहर की पॉपुलेशन है उसके हिसाब से जो हाउस होल्ड है, उन हाउस होल्ड को जल्दी जल्दी कनेक्शन करके और इन IPS जो आपने अभी देखा यहाँ से IPS आपकी सहायता देख रहे हैं, इस IPS में अभी SDPS कनेक्शन हमारा होना है। मध्य प्रदेश में हाईकोर्ट ने जितने भी डिफॉल्टर नर्सिंग कॉलेज थे उनको सील करने का आदेश दिया गया था, जिसके परिपालन में धार के डिफॉल्टर रोशन नर्सिंग कॉलेज को SDM रोशनी पाटीदार और उनके अधीनस्थ अधिकारियों ने सील कर दिया। आश्चर्य की बात तो यह है कि रोशन कॉलेज की वेबसाइट को अगर हम ध्यान से देखें तो उसमें पता प्रकाश नगर मकान नंबर 4 ब्रह्मकुंडी रोड का दे रखा है। रोशन कॉलेज यहीं से संचालित हो रहा था, साथ ही पीड़ित छात्र छात्राओं में रोशन कॉलेज के विरोध में यहां पर कई बार धरना भी दिया गया था, जिसको देखकर जिला प्रशासन ने कई बार एक्शन भी लिया था। वहीं SDM ने इस भवन में आकर कई दस्तावेज खंगाले, लेकिन निर्दोष साबित करने के लिए कोई दस्तावेज नहीं मिले। हाईकोर्ट के आदेश पर SDM रोशनी पाटीदार ने बड़ी कार्रवाई की है, उन्होंने 4 महाविद्यालयों को सील कर दिया है। आपको बता दें कि सभी मानदंड पर खरे नहीं उतरे, जिसके बाद उन्हें डिफॉल्टर चिन्हित करके उन्हें सील कर दिया गया है।
से माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के पालन में धार जिले में कुछ 4 कॉलेजों को की मान्यताएं रद्द की है, तो उसी के पालन में आज कल धार सब डिवीज़न में एक रोशन कॉलेज था तो उसको भी हमने सील किया है और कोशिश की है, वहाँ कुछ बच्चे हैं जिनकी एग्ज़ाम्स बाकी हैं जो पीजी कॉलेज में होने वाली है, तो उनको किसी तरह से कोई तकलीफ ना हो और एग्ज़ाम उनकी सुचारू रूप से कंडक्ट हो सके, तो उसको उस बात को ध्यान में रखते हुए हमने कल रोशन कॉलेज को सील किया है। जी, कल हमने इसकी जांच की है और इसकी विस्तृत जांच के लिए हम एक दल गठित करेंगे और इसकी फिर से जांच करेंगे। तीर्थ नगरी ओमकारेश्वर पहुंची बॉलीवुड अभिनेत्री अंजना सुखानी ने कहा कि इंदौर में उनकी शूटिंग चल रही है और छुट्टी के दिन उन्हें बाबा ओमकारेश्वर के दर्शन करने का सौभाग्य मिला। साथ ही उन्होंने कहा कि बाबा के पास आने का मौका मिला, ये उनके लिए खुशी की बात है। आपको बता दें कि अभिनेत्री अंजना सुखानी लगभग 20 से अधिक फिल्मों में काम कर चुकी हैं और अभी वो एक नई सीरीज के लिए काम कर रही हैं जिसकी शूटिंग के लिए वो इंदौर आई हैं। मौका था कि हम यहाँ शूटिंग कर रहे थे तो छुट्टी के मौके पे यहाँ पर आने का एक ऑनर है मेरे को यहाँ आना, और बाबा से क्या मांगा वो तो बाबा और मेरे बीच की बात है। बट यहाँ आते ही इसलिए से लग रहा है कि रोंगटे खड़े हो गए और मन नहीं कर रहा था जो वहाँ से उनसे नजरें हटी हुई थी, बट दर्शन सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। पर आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने इतना प्यारा दर्शन कराया। अभी तक कितनी फिल्मों में काम कर चुके हैं और अब आगे क्या प्लान है? आई थिंक 20 फिल्में तो भी होंगी डेफिनेटली, अलग अलग लैंग्वेजेस में। तो अभी हम एक नया सीरीज शूट कर रहे हैं यहाँ पे जो सोनी लिव के लिए है, राजश्री का प्रोडक्शन है ये, तो उसी के सिलसिले में इंदौर आना हुआ और ये हमको चांस मिला कि हम शिव जी के आखिर चरण जरा। सामाजिक महासंघ जिला झाबुआ द्वारा स्थानीय निजी गार्डन में राष्ट्रवाद, धर्म जागरण और सनातन संस्कारों की पाठशाला का आयोजन किया गया। बता दें कि यह पाठशाला 26 मई से 1 जून तक चलेगी। पाठशाला में नई पीढ़ी को राष्ट्रवाद, धर्म जागरण और भारत के सनातन संस्कारों से अवगत कराया जा रहा है जिससे वो राष्ट्र निर्माण में अपना सहयोग दे सके और समाज को सही दिशा में ले जाए। पाठशाला के एक सत्र को जिले के पुलिस कप्तान पदम विलोचन शुक्ल द्वारा भी संबोधित किया गया जिसमें उन्होंने बच्चों को झूठ ना बोलने की हिदायत दी और बताया कि सच बोलोगे तो जीवन में आगे बढ़ोगे। सामाजिक महासंघ के अध्यक्ष श्री नीरज राठौर ने बताया कि विगत 3 सालों से इस पाठशाला का आयोजन हो रहा है। 26 मई से 1 जून तक विशेष पाठशाला का संचालन किया जाएगा जिसमें राष्ट्रवाद, धर्म जागरण और सनातन संस्कारों को लेकर बच्चों को शिक्षा दी जाएगी। इसी क्रम में सामाजिक महासंघ के अध्यक्ष नीरज राठौर ने बताया कि वो 3 सालों से इस पाठशाला का आयोजन हो रहा है जिसमें हर साल बड़ी संख्या में बच्चे हिस्सा लेते हैं और उन्हें धर्म जागरण, सनातन संस्कारों और राष्ट्रवाद की शिक्षा दी जाती है जिससे वो बेहतर काम कर सके और देश के सफलता में योगदान दे सके। देखिए, पिछले लगभग 3 वर्षों से सामाजिक महासंघ इस तरह के आयोजन करता आया है, राष्ट्रवाद, धर्म जागरण एवं सनातन संस्कारों की पाठशाला। हम देखते हैं कई बच्चे बिगड़ जाते हैं घर परिवारों में, उन्हें संस्कार नहीं मिल पाते हैं, बातचीत के लहजे बिगड़ जाते हैं, घर परिवार उजड़ रहे हैं। इस प्रकार से जब हमने विचार किया, बैठ के चिंतन किया सामाजिक महासंघ के सभी साथियों ने, तो हमें 3 वर्ष पूर्व ये पाठशाला लगाने का निर्णय लिया। अभी ये 3रा वर्ष है, अभी 26 मई से 1 जून तक ये 7 दिनों तक ये पाठशाला रहेगी। झाबुआ के विभिन्न समाजों के बच्चे यहाँ आ रहे हैं, हम उन्हें संस्कार के साथ साथ विज्ञान और अन्य जानकारी, जो देश विदेश संबंधी जानकारी है, वो भी उनको प्रदान कर रहे हैं। खनिजों का अवैध उत्खनन और परिवहनकर्ताओं के विरुद्ध खनिज पुलिस एवं राजस्व विभाग के संयुक्त दल द्वारा छापेमार कार्रवाई करते हुए 6 पोकलेन मशीनें और 17 डंपर जब्त किए। साथ ही कलेक्टर प्रवीण सिंह ने बताया कि जिले से किसी भी प्रकार के खनिजों के अवैध परिवहन को रोकने के लिए जिला प्रशासन द्वारा पुलिस, राजस्व एवं खनिज विभाग की संयुक्त टीम द्वारा कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि संयुक्त टीम प्रतिदिन अवैध रेत के भंडारण अनुमति और उत्खनन परिवहन के साथ साथ रॉयल्टी पर्ची आदि सभी दस्तावेजों की जांच करेगी। इसके साथ ही डंपरों में निर्धारित माप से अधिक रेत परिवहन को रोकने के लिए भी कार्यवाही की जा रही है।
कोरबा में 29 मई को विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस के अवसर पर जिले की ग्राम पंचायतों में महिला स्वास्थ्य और स्वच्छता जागरूकता संबंधी कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। इस मौके पर कलेक्टर अजीत वसंत और जिला पंचायत सीईओ संबित मिश्रा ने हथेली में लाल निशान बनाकर मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन का संदेश दिया। साथ ही जनपद पंचायत कटघोरा के ग्राम पंचायत बाता में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और राष्ट्रीय आजीविका मिशन के स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं ने जागरूकता रैली निकालकर ग्रामीण महिलाओं को मासिक धर्म और स्वच्छता की जानकारी दी। बीज और उर्वरक का अग्रिम उठाव के लिए और कृषकों को प्रोत्साहित करने कलेक्टर ने कृषि एवं संबंधित विभाग की बैठक ली। कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह ने कृषि एवं कृषि संबंधित विभाग, जिला सहकारी बैंक, जिला विपणन अधिकारी, उप पंजीयक सेवा सहकारी समिति की समीक्षा बैठक ली। इस मौके पर कलेक्टर ने कहा कि समितियों में खाद बीज का अग्रिम उठाव के लिए कृषकों को प्रोत्साहित करें। कृषियों को प्रोत्साहित करने के लिए कलेक्टर ने समीक्षा बैठक ली। इस दौरान उन्होंने किसानों के लिए बेहतर सुविधा मुहैया कराने की बात कही। इसके साथ ही किसानों को प्रोत्साहित करने का आदेश भी संबंधित अधिकारियों को दिया गया। किसानों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कलेक्टर ने तमाम विभागों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने किसानों को प्रोत्साहित करने की बात कही, तो वहीं उन्हें सरलता से सारी सुविधाएं उपलब्ध कराने की बात भी कलेक्टर की ओर से समीक्षा बैठक के दौरान की गई। कलेक्टर गौरव सिंह ने बाढ़ से बचाव के लिए की तैयारियों की समीक्षा ली और कहा कि और अनुविभागीय अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि ग्रामीण युवाओं को बाढ़ जैसे आपदा का सामना करने के लिए प्रशिक्षित करें और कहा कि बारिश से पहले ही नालों की साफ सफाई की जा रही है। खबर रायपुर से है, जहां थाना खमतराई के अंतर्गत पुलिस ने शराब चोरी के मामले में आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें पुलिस ने 33 लाख की रिकवरी की है। बता दें कि 28 मई को देर रात कुछ लोग शराब खरीदने पहुंचे थे। शराब नहीं मिलने पर विवाद हो जाता है, जिसमें दो पार्षद भी शामिल हैं। उस दौरान शराब दुकान में करीब 36 लाख की चोरी हो गई। वहीं सूचना मिलने के बाद पुलिस ने सख्ती से तहकीकात की तो पता चला कि 6 विक्रेता लोगों ने आसपास के लोगों के साथ मिलकर चोरी की घटना को अंजाम दिया था और खुद जाकर रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जांच पड़ताल जारी है। खबर भिंड से है, जहां मजदूर की बेटी के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को पुलिस ने गोली मार दी। बता दें कि आरोपी ने घर में घुसकर एक युवती के साथ दुष्कर्म किया था, जिसके बाद आरोपी ने युवती को जान से मार देने की धमकी भी दी और मौके से फरार हो गया था। घटना के बाद भिंड पुलिस अधीक्षक डॉक्टर असित यादव ने मामले को गंभीरता से लेते हुए SDOP सौरभ कुमार को कड़ी कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए। SDOP सौरभ कुमार के निर्देशन में मालनपुर थाना प्रभारी उमेश उपाध्याय ने दबिश देकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बता दें पुलिस द्वारा दबिश दिए जाने पर आरोपी और पुलिस के बीच फायरिंग हुई। जवाबी फायरिंग में थाना प्रभारी उमेश उपाध्याय ने आरोपी को गोली मार दी, जिसके बाद गोहद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आरोपी का इलाज जारी है। दिनांक को जो है युवती के साथ दुष्कर्म की सूचना जो है पुलिस को मिली। तुरंत जो होता है संदर्भ में युवती के बेहतर इलाज के लिए जो होता है उसको CHC गोद है, उसके बाद जो है ग्वालियर में जो है उसके बेहतर इलाज के लिए उन्होंने सबसे पहले प्रयास किया कि उसकी स्थिति स्टेबल हो और खतरे से बाहर हो। साथ ही साथ जो है युवती के परिजन की रिपोर्ट पे जो है 376 की जो होता है एक आरोपी के विरुद्ध जो होता है अपराध पंजीबद्ध किया गया और घटना की गंभीरता को देखते हुए श्रीमान SP महोदय ने जो होता है हम लोगों को विशेष निर्देश दिए कि आरोपी की जल्द से जल्द धरपकड़ की जा सके। और तुरंत जो होता है इसी दौरान जो होता है आरोपियों की तलाश के दौरान ही जो है मुठभेड़ के द्वारा सूचना रात्रि को मिली, देर रात्रि में, कि जो है आरोपी की जो है एक हथियार के साथ देखा गया है मालनपुर क्षेत्र में जो है हिमालय फैक्ट्री के आसपास।
नर्मदा क्लब से घर की ओर जा रहे एक व्यक्ति की स्कूटी में अचानक आग लग गई। आसपास के लोगों ने आग को देखकर तत्काल पानी डालकर आग बुझाई। स्कूटी सवार नवल किशोर यादव ने बताया कि वो अपने काम से घर वापस जा रहे थे, फिर अचानक गाड़ी का हैंडल एकदम से गर्म हुआ और धुआं निकलते हुए आग लग गई। नवल किशोर ने आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया है। वहीं गनीमत ये रही कि आसपास के लोगों ने तत्काल गाड़ी पर पानी डालकर आग पर काबू पा लिया। चलते जो है ना, हाथ में जैसे ही गर्म लगा हैंडल इधर पे एक्सीलेटर के पास, मैंने रोक के देखा तो एकदम से धुआं और आग जैसे निकलने लगा। सर्किट टच हो गया होगा, शॉर्ट सर्किट हो गया होगा कुछ। कौन सी गाड़ी यार? एक्टिवा। फिलहाल के लिए बस इतना ही, जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती? भूख कम लगती है? वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं।